गाइस कि वेदर के अकॉर्डिंग हमारी स्किन प्रॉब्लम्स चेंज होती रहती है, इसलिए हमें वेदर और स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर रूटीन को भी चेंज करना होता है। सो दैट अब आ चुका है मानसून, तो हमें मानसून के अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। मानसून में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, प्लस सभी लोगों को एक्ने और पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सो मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत अच्छा सा मानसून स्किन केयर रूटीन। सो लेट गेट इन टू द वीडियो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ रिचा सिंह। तो स्किन केयर रूटीन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फेस को कर लेना है क्लीन। यहाँ पे मैं अपना गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये पैराबिन फ्री है और साथ ही साथ इसमें नीम है, जो कि एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा वाला इन्ग्रीडियंट है। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। स्टेप है एक्सफोलिएट, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। आपके पास अगर राइस फ्लोर नहीं है तो आप सिंपली चावल को मिक्सर में ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे थिकनेस देने के लिए ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हनी। इन सबको मैं मिक्स करके एक बहुत ही थिक सा पेस्ट बना लूँगी। सो ये लीजिए, आपका बहुत ही इजी सा DIY फेस स्क्रब हो गया रेडी। इसे अप्लाई करने के लिए हम सिंपली अप्लाई करेंगे अपने फेस पे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे, जिससे हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स अच्छी तरह से रिमूव हो जाएं, प्लस डेड स्किन भी रिमूव हो जाए। हनी आपकी टैनिंग को भी ख़त्म करेगा। इस स्क्रब में हमने सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, इसलिए आप इसे लिप्स में ज़रूर स्क्रबिंग करें। इससे आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। देन हमें चाहिए फेस मास्क। फेस मास्क के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन तो सभी के पास होगा और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अल्फ गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी पाउडर। आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। देन मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ अपना DIY नीम पाउडर। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब आपका ये ड्राई फेस पैक रेडी हो चुका है। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो आप 2 से 3 महीने तक इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जस्ट इसका पेस्ट बना के आप अप्लाई कर लीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम रहता है तो ये बहुत ही अच्छा सा क्विक वाला फेस मास्क आपका बन के रेडी हो जाएगा। जब आपको यूज़ करना है बस 1 टेबल स्पून लीजिए और वाटर मिक्स कीजिए और पेस्ट आपका हो गया रेडी। जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो सदियों से यूज़ किया जा रहा है। मतलब बेसन आपने देखा होगा कि स्किन वाइटनिंग के लिए हमें सब न्यू ब्राइड को तेल लगाया जाता था, उसमें बेसन और हल्दी होती थी क्योंकि उसके अंदर स्किन वाइटनिंग वाला एजेंट होता है। और साथ ही साथ नीम में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके एक्ने को ठीक करती है। साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके स्किन में होने वाले सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। और मुल्तानी मिट्टी एक बहुत ही अच्छा वाला कूलिंग एजेंट है, जो कि समर्स के लिए बहुत अच्छा है। समर्स में अक्सर लोगों की स्किन में इरिटेट होने लगती है, रेडनेस होती है, बर्निंग होती है, जो कि मुल्तानी मिट्टी उसे कम करती है। DIY फेस पैक को अप्लाई करने के लिए आपको फेस पैक लेना है और फिंगर या ब्रश की हेल्प से जो भी आपके पास हो उसे अच्छी तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। देन जब ये पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए तो आपको इसे 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने देना है, देन वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश करने के बाद आपके pH बैलेंस को मेनटेन रखता है। देन मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट अरोमा मैजिक जूनिफर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है या आपकी स्किन को जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। मानसून है लेकिन फिर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि सनराइज़ उतनी ही हार्मफुल होती हैं जितना कि अदर सीजन्स में। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, रिंग फिंगर से अपने आइज़ को बहुत ही अच्छी सी मसाज दीजिए। इससे डार्क सर्कल्स लाइट इन होते हैं, प्लस जो आइज़ के नीचे फाइन लाइन्स आ जाती हैं वो भी कम डिफाइन होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी तो हेल्प होगी, साथ ही साथ आपके भी हेल्प हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प होगी। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन बाय बाय।